Hey students, welcome to our youtube channel koinu kids academy secondary, secondary school named kathana. myself, krishna sharma, faculty of english. today is your english turn. i explained you the second chapter well in the previous video. today, we will complete let's try 3. right now, i am telling you their answer after doing this in your notebook. you have to search the book. where is their answer? ओके सो नौ विस्ट टाई थ्री ये क्या है ये जो क्वेश्चन है ये आपके किसके क्वेश्चन है लेस्ट टाई थ्री के वॉच लेस्ट थ्री लेट मी एक्सप्लेन यू आंसर द फॉलोविंग क्वेश्चन इन योवर नोटबुक आपको इनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं और अपनी नोटबुक में देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉट रीजन डिड ग्रैंड मा गिव फॉर बींग द ग्रैंड मा दादी ने गांव की दादी होने का क्या कारण बताया सब लोग उसे गांव में दादी दादी कहते थे क्यों कहते थे आपने चैप्टर में रीड किया था कि उनको सब क्यों दादी बोलते थे क्योंकि वो दादी थी कि वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी उस गांव की इसलिए उसको दादी बोलते थे आंसर देखते हम ग्रैंडमा सेड दैट Uh, जो दादी है उन्होंने कहा शी वॉज कॉल्ड द विलेज ग्रैंड मा बिकॉज क्योंकि शी वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन इन विलेज जो ग्रैंड मा है जो दादी है उन्होंने कहा कि उन्हें गांव की दादी कहा जाता है क्योंकि वह गांव की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बुजुर्ग है, व्यक्ति हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है विलेज ग्रैंड मा दे क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाई डिट ग्रैंडमारदर गिव हर ए सिकल जो दादी जी की जो माँ है जो ग्रैंड माँ की जो मदर है उन्होंने उनको सिकल क्यों दिया ग्रैंड मार्ज मदर गिव हर द सिकल सो दैट शी कुड यूज इट टू कट सम लीफी वेजिटेबल्स और हर्ब्स जो ग्रैंडमा हैं उनकी जो मदर हैं उन्होंने उनको सिकल दिया क्योंकि वह इसका यूज जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको कट करने के लिए उनको काटने के लिए उन्होंने उनको सिकल दिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाई डिड नीलिमा टेक द सिक्कल जो नीलिमा है उन्होंने धराती क्यों ली थी क्यों ली थी उसने धराती जो ग्रैंडमा की जो सिकल थी उन्होंने Uh, क्यों ली नीलिमा टूक द सिकल नीलिमा ने सिकली क्यों ली बिकॉज क्योंकि सी वॉन्टेड टू विन द नीलिमा ने सिकल लिया क्योंकि वह शर्त जीता जाती थी जो नीलिमा है उन्होंने की, उसने किसी के साथ शर्त लगाई थी इसलिए उन्होंने दादी माँ की सिकल ली थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ग्रैंड मा फॉर गिवस नीलिमा एट एंड डू यू थिंक सी डिड ए राइट थिंग वाय एंड वाई नॉट दादी ने अंत में नीलिमा को माफ कर दिया दादी ने अंत में नीलिमा को माफ कर दिया डू यू थिंक क्या आपको लगता है कि उसने एक सही काम किया? A right thing, क्या एक सही सही काम काम किया किया राइट क्या क्यों और क्यों नहीं ग्रैंडमा डिड ए राइट थिंग बाय फॉर गिविंग नीलिमा बिकॉज नीलिमा हैड ऑलरेडी गॉट हर शेयर ऑफ पनिशमेंट सी हैड रियलाइज हर मिस्टेक एंड वॉज सॉरी फॉर इट जो दादी है उन्होंने नीलिमा को माफ करके सही काम किया राइट थिंग बाय फॉर गिविंग नीलिमा क्योंकि नीलिमा हैड ऑलरेडी गॉट हर शेयर पनिशमेंट क्योंकि उसको अपने आ, हिस्से का जो गलती है जो उसने गलती की थी उसकी सजा मिल गई सी हैड रियलाइज हर मिस्टेक उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था एंड सॉरी फॉर इट और उन्होंने उसके लिए उसको उसको उसके लिए अफसोस भी था और सॉरी बोल दिया था नाउ वी सी लेट्स कनेक्ट पेरेंट असिस्टेंट एक्टिविटी ये एक्टिविटी पेरेंट्स के साथ करनी है दिस एक्टिविटी विल गेट यू योर पेरेंट्स आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री विथ डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है विविध देश है उसमें जो जो, जो डिफरेंट टाइप की वराइटीज ऑफ फूड्स मतलब फूड्स की बहुत सारी वराइटीज इंडिया में हैं ईच रीजन हैज़ इट्स ओन फूड प्रत्येक जो एरिया है या प्रत्येक जो क्षेत्र है रीजन का मीन्स क्या होता है क्षेत्र जो प्रत्येक क्षेत्र है उसका अपना एक भोजन होता है खुद का एक फूड होता है और उसका एक कल्चर होता है संस्कृति होती है द फूड इज बेस्ड ऑन अवेलेबल सीजनल प्रोड्यूस लाइफ स्टॉक कल्चर इन्फ्लुएंस एंड रिलीजियस एस्पेक्ट भोजन जो है वो किस पे बेस है किस जो सीजनेबल जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है सीजनेबल जो उत्पादन होता है या कोई लाइव स्टॉक होता है पशुधन या संस्कृति का प्रभाव होता है या धार्मिक पहलू है उस पर आधारित होते हैं फूड जैसे दिवाली पे स्पेशल डिश बनती है होली पे बनती है होली पे अलग डिश बनती है और दिवाली पे अलग डिश बनती है ऐसे ही उस पर बेस करता है सीजनेबल प्रोड्यूस सम ऑफ द रीजनल फूड्स आर गिवन बिलो जो रीजनल फूड्स है जो आपके जो क्षेत्रीय जो भी फूड्स हैं आपके एरिया में जो भी फूड्स बनते हैं उनकी जो लिस्ट है वो आपको नीचे दी हुई है जैसे बंगाली फूड जो बंगाली खाना है वो क्या होता है मेन वहाँ पे जो फेवरेट है वो क्या है रसगुल्ला गोवन फूड एग्जाम्पल है प्राण बालचो ये क्या है प्रान चो और ये क्या है बंगाली फूड रसगुल्ला ये तो आपने देखा है आ, गुजराती फूड है ढोकला ये है आपका ढोकला और कश्मीरी खाना है आ, कश्मीरी जो फूड है वो है गोस्तबा या मांस के गोले ये है गोस्तबा या मांस के गोले से बनता है ये महाराष्ट्रियन फूड है आ, वड़ा पाव तो वड़ा पाव इस तरीके से आपको दिखाई देता है ये वहां के फेवरेट अ जो फूड हैं पारसी फूड है धनसक क्या है ये धनसक नेक्स्ट जो पंजाबी फूड है वो है राजमा चावल ये है चावल ये है राजमा राजस्थानी खाना है राजस्थानी जो फूड है वो है दाल बाटी चूरमा अपने यहां जो ज्यादा है वो क्या बनता है दाल बाटी चूरमा दाल बाटी चूरमा ये रहा नेक्स्ट तमिलियन खाना या तमिल खाना क्या है इडली और डोसा ये है इडली और डोसा ये आपने इनमें से अधिकतर फूड आपने खुद ने भी खाए होंगे विच रीजन डू यू कम फ्रॉम आप किस क्षेत्र में आते हो कौन से रीजन में आते हो आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू राइट डाउन द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फ्रॉम योर रीजन अपना आपका जो भी एरिया है जो भी क्षेत्र है वहाँ विभिन्न प्रकार के जो फूड हैं उनको आपको राइट करना है और आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है ड्रा ऑब्लिक पेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर रीजनल फूड इन द गिवन स्पेस इन द प्रैक्टिस बुक एंड टॉक अबाउट इट विथ योर क्लासमेट्स आपकी प्रैक्टिस बुक में जगह है आपको वहाँ पिक्चर पेस्ट करनी है और आपका जो भी रिजनेबल फूड है उसका आप पेस्ट करके और उस आ, आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके साथ उसका नेम भी राइट करना है द टॉपिक ऑफ लेट्स कनेक्ट विल भी हेल्पड योर पेरेंट्स सी हेयर लेट्स कनेक्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बुक में है पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ योअर पॉपुलर रीजनल फूड इन द बॉक्स बॉक्स में आपको पॉपुलर जो भी आपको प्रसिद्ध या लोकप्रिय भोजन है उसकी जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और साथ में उनका राइट देअर नेम्स और उनके नेम भी राइट करने हैं यह आपको स्पेस यहाँ दे रखा है और यहाँ आपको स्पेस दे रखा है और इसमें और क्या बोला जा रहा है विच इज योअर फेवरेट फूड आपका जो फेवरेट फूड है वो क्या है वाई डू यू लाइक इट द मोस्ट आप इसे सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हो ये आप आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे इसको करने में